यह अर्जुन थर्ड जनरेशन बैटल टैंक, इसे इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और CVRDE यानी कि कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक है। इसे 1983 से 1996 तक डिजाइन किया गया और 2004 से इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसका वेट 68 टन है और इसे चार लोगों के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसमें एक कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर होता है। और ऐसे आज तक 141 टैंक्स बनाए गए हैं। इसमें एरा नेरा कंचन आर्मर लगे जो इसे किसी भी एक्सप्लोजन से बचा सकते हैं। इसमें 120 mm की मशीन गन लगी जो 42 राउंड्स फायर कर सकती है और ये किसी भी तरह की एंटी टैंक मिसाइल्स और रॉकेट्स को लॉन्च कर सकता है। इसमें M2 838 के A501 V10 लिक्विड कूलिंग टर्बो चार्ज डीजल इंजन लगा है जो कि इसे बहुत पावरफुल बनाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 750 किलोमीटर और इसकी मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर पर आर है। इसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को देखते हुए बहरीन और कोलंबिया भी इसे लेने की सोच रहे हैं और DRDO ने कुल ऐसे 118 टैंक 7523 करोड़ की लागत से बनाए हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।